शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने क्रमोन्नति मामले में विभागीय कार्रवाई को अनुचित ठहराया है। भीकनगांव में कार्रवाई को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। भीकनगांव में अध्यापकों ने नायब तहसीलदार ममता मिमरोड को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विगत दिनों से उच्च वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर दिए जा रहे निर्देशों से एक बार पुनः द्वयम दर्जे का विभागीय उपेक्षित व्यवहार हम शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक और अध्यापक संवर्ग महसूस कर रहे हैं। यह विषय अध्यापक संवर्ग से राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों के लिए दुखद और निराशाजनक है। विभागीय स्तर से आदेशों को पूर्ण रूप से जारी न करना और मामले को लंबे समय तक स्पष्ट न करना एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। ऐसा करना सरकार की छवि के लिए भी उचित नहीं है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से तत्काल क्रमोन्नति में पूर्व की समस्त सेवा अवधि की गणना संबंधी पत्र जारी करने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि अध्यापक संवर्ग के प्रति व्याप्त द्वयम दर्जे के व्यवहार की विभागीय कार्यप्रणाली पर विराम लग सके। भोपाल से लोक शिक्षण संचालन से अभी दो दिन पहले एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें अध्यापक संवर्ग को दी गई वरिष्ठता को उन्होंने 1/7/2018 से मान्य की है। क्योंकि अध्यापक संवर्ग और शिक्षाकर्मी जो भी साथी हैं 1998 से लेकर अभी तक सेवाएं दे रहे हैं, और इस आदेश के तहत उन्होंने उनकी इतनी सालों की सेवाएँ पूरी शून्य कर दी। पदोन्नति और क्रमोन्नति दोनों के लिए, इसके लिए पहले पूर्व में अभी विगत महीनों में एक आदेश पारित हुआ था लोक शिक्षण संचालनालय से आयुक्त महोदया द्वारा ही, और उसकी विज्ञप्ति भी उन्होंने दी थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था बिंदु क्रमांक 3.2 में कि अध्यापक संवर्ग में आने के बाद भी इनकी क्रमोन्नति और वरिष्ठता की जो दिनांक रहेगी इनकी नियुक्ति दिनांक से ही काउंट किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। किंतु अभी ये 3 दिन पहले जो आदेश निकला है वो बिल्कुल उसके विपरीत कर दिया गया और उस शर्तों को निरस्त कर दिया गया। इसी के तारतम्य में आज हमने उसका विरोध जताते हुए तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन दिया है कि जो आदेश उनके द्वारा एक तुगलकी आदेश दिया गया है, ये मान के चलो कि जो अधिकारियों की हठधर्मिता पूर्ण का जो आदेश है इसे वो वापस लें, और पूर्व में जो उनका आदेश दिया था उसी आदेश के तहत में हमें जो है पुरानी जो क्रमोन्नति और पदोन्नति है नियुक्ति दिनांक से ही, हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही हमें दी जाए। अभी ये विरोध प्रदर्शन केवल एक ज्ञापन के रूप में है। अगर इस तारतम्य में किसी प्रकार का कोई वरिष्ठ कार्यालय से उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो ये आंदोलन उग्र होगा और संभवतः तालाबंदी स्थिति वाली भी, तालाबंदी स्कूल की तालाबंदी की स्थिति भी बन सकती है। डीजीएनए न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, भीकनगांव।